लेट्स सी कि ये जॉइंट वेंचर का जो हमने लेट्स गो लुक इन टू जॉइंट वेंचर्स बुक्स अगेन अल्टीमेट आउटकम अब देखिए आपने एक uh, जॉइंट वेंच, जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट खोला यानी अलग से यानी ये नहीं है कि बी ने अपने बुक्स में अपनी किताबों में यानी अपने अकाउंट में पैसे जमा करा दिए नहीं एक एग्रीमेंट हुआ है तो उसने क्या किया है कि एक अलग से एक जॉइंट वेंचर का अकाउंट खोल जॉइंट वेंचर बैंक अकाउंट खोल लिया अब उसमें जो भी पैसे आएंगे उसने पहली रिमिटेंस भेजी दो हज़ार की ए ने वो डेबिट हो गई फिर थ्रू आउट द पीरियड जो सेल करते गए टोटल अमाउंट जो मैं आई वहाँ के बैंक अकाउंट में आ गई ये देखिए एकदम से तो नहीं आई होगी यकीन आहिस्ता आहिस्ते उसने बेची होंगी लेकिन मैंने चूँकि कहा ना कि डिटेल में नहीं गया आपने टोटल बेची टोटल पैसे आ गए अब आपने उन पैसों में से नाइन्टी जो से है वो शिफ्ट कर दिए ए को दे दिए तो क्रेडिट हो गया इसी तरह आपने उसमें एक्सपेंस किया उस चीज़ों को बेचने के लिए तो वो भी क्रेडिट होगा बैंक से उसके बाद जो पैसे आपने उसको भेजे जो उसके अकाउंट में बैलेंस बचता था जो आपने जॉइंट वेंचर विद अकाउंट खोला है उसमें जो बैलेंस बचा वो उसको वापस किया तो बाकी जो बचा है ना ट्वेंटी ये आपके पैसे हैं आपके पैसे कैसे बनेंगे एक वो जो ख़र्चा आपने किया सतारह हज़ार छः सौ सत्तर का और फिर आपके प्रॉफिट का जो शेयर है वो भी आपका है तो टोटल अमाउंट जो आपके पास बची इस वेंचर में बीस हज़ार पाँच सौ तैंतालीस रुपये पचास रुपए यानी कमीशन प्लस प्रॉफिट और अगर आप ए के बैंक अकाउंट में देखें ए ने जो अकाउंट खोला उसका तो बैंक अकाउंट है ना तो उसने इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या अकाउंट किया नंबर वन उसने मैंने डेट शीट नहीं डाली कुछ भी पूरे साल को इकट्ठा करके दिखा दिया आपको कि उसने 2000 भेजे बी को क्रेडिट हो गए उसने फिर चीज़ें जो खरीदी थी सप्लायर को पेमेंट की नाइन्टी सिक्स टू फिफ्टी की वो क्रेडिट हो गया इस तरह ही फिर जब आपको पैसे दिए हैं बी ने नाइन्टी के तो वो आपके पास डेबिट हो गए और फिर उसने फाइनली जो आपके पास पैसे भेजे हैं आपके प्रॉफिट शेयर के साथ वो और दैट इज़ सेवेंटीन नाइन एट्टी टू बी और उसके बाद जो है बैलेंस और आपका शेयर जो है ये कंप्लीट हो जाता है दोनों की बैलेंस जो है आपके पास नाइन थाउजेंड थ्री सेवेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी टू पॉइंट फाइव जीरो आपके पास यही बचेगा आपके प्रॉफिट का शेयर क्योंकि आपने तो कोई कमीशन वगैरह नहीं है ना तो इसलिए आपके हिस्से में सिर्फ आपका प्रॉफिट शेयर आएगा और आपके बैंक अकाउंट में ये इतने पैसे आपका जो प्रॉफिट है वो आपको नजर आ जाएगा तो दिस इज़ हाउ बेसिकली दे सेटल देयर अकाउंट टूअर्ड्स द एंड ऑफ द जॉइंट वेंचर ये ही चल रहा है सिस्टम में थैंक यू वेरी मच